नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और मैं डांस मेनिया का मॉडरेटर हूँ। हमारे पास काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि डांस फॉर्मेट क्या होगा, वीडियो फॉर्मेट क्या होगा, कौन सा सॉन्ग लेना है, कौन सा स्टाइल में करना है। तो हमने सोचा था कि इसके बारे में हम वीडियो 5 जून को निकालेंगे या बट फिर हमने सोचा कि थोड़ा टाइम दे देना चाहिए जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर अभी आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाए, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो वीडियो सबमिशन की कुछ गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन इस मद्देनज़र से रखी, मतलब हमने ऐसे बनाई है कि आपकी वीडियो प्रेजेंटेबल लगे, व्यूअर्स को अच्छी लगे, ठीक है। तो वीडियो सबमिशन के कुछ 3 पार्ट्स हैं, इंट्रो, परफॉर्मेंस और एंडिंग। तो फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन। इसमें आपको अपने वीडियो का, अपने डांस क्लिप का, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड इज़ योर परफॉर्मेंस, जो आप डांस करेंगे और जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आपको करना है। थर्ड पार्ट इज़ एंडिंग, एंडिंग यानी लास्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अभी। इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना है, एज बतानी है और सिटी बतानी है। एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम अनुशय है, मैं 6 साल का हूँ और मैं जलंधर से हूँ। एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे बताना है। इसका सेकंड पॉइंट है अबाउट डांस फॉर्म एंड सॉन्ग। डांस फॉर्म यानी आप कौन से स्टाइल का डांस करेंगे, क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम, वेस्टर्न, फ्री स्टाइल, आपको जो करना है आप उसमें बताएंगे। और जो आप गाना ले रहे हो, जो आप सॉन्ग ले रहे हैं, आप उसके बारे में बताएंगे कि मैं ये सॉन्ग ले रहा हूँ, मैं इस सॉन्ग पे आज डांस करूँगा। थर्ड थिंग इज़ अबाउट योर सेल्फ। आप थर्ड मतलब इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बता सकते हैं कि मेरी कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं, मैंने इस कॉम्पिटिशन में क्यों पार्टिसिपेट किया, वाई आई लाइक डांसिंग एंड दी स्टफ्स, आप ये सब बता सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ परफॉर्मेंस एंड डांस। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, योर वीडियो मस्ट नॉट बी एडिटेड। ये हमने सोचा नहीं था कि हम बोलेंगे, बट काफ़ी सारे लोगों की हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आई और वो हैंड टू हैंड हमें वीडियो भेज रहे थे। तो मतलब कहना नहीं चाहिए बट फिर भी एनालिसिस थी हमारी कि ये एक्चुअली उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो वो इस कॉम्पिटिशन के लिए सेंड कर रहे हैं। तो मैं प्लीज़ आप लोग से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए आप अलग से एक डांस वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है। ये एक कॉम्पिटिशन है, उसको कॉम्पिटिशन की भावना से ही रखें। तो आपकी वीडियो एडिट नहीं होनी चाहिए, कहीं भी एक टेक नहीं होना चाहिए। ये इंट्रो, परफॉर्मेंस और एंडिंग पूरी एक सीक्वेंस में आनी चाहिए। मतलब कहीं भी आप ये नहीं है कि क्लिप काट के नया क्लिप जोड़ रहे हैं, पूरी एक ही वीडियो में ही आनी चाहिए। अगर 5 मिनट की है तो 5 मिनट की एक पूरी वीडियो। वीडियो मस्ट बी इन लैंडस्केप मोड। अब लैंडस्केप का मतलब, मान लीजिए मेरा फ़ोन है, अभी मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसको, ये लैंडस्केप नहीं होता, लैंडस्केप होता जब मैं इस फ़ोन को यूं करके वीडियो बनाऊँगा इस तरह से, इसे कहते हैं हम लैंडस्केप मोड। इसमें क्या होता है, पूरी वाइड आती है और जो यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म पर हम इसको रिलीज़ करेंगे उसमें पूरी लैंडस्केप वीडियो आती है। तो स्क्रीन पूरा फिल हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे दिखने में। तो आपको आपकी वीडियो लैंडस्केप मोड में बनानी है। म्यूज़िक शुड बी क्लियर, जो भी आप गाना बजा रहे हैं, जो भी एनी सॉन्ग यूर मेक, कोई भी आप गाना चूज़ कर रहे हैं, वो गाना काफ़ी ज़्यादा उसकी क्लियर आनी चाहिए, कि उसकी एक एक लिरिक, एक एक बीट क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को वीडियो या ऑडियो म्यूज़िक मर्ज करना था तो वो मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है इसमें कि ट्राई करें कि बैकग्राउंड नॉइज़ इसमें ना आए ज़्यादा। बैकग्राउंड नॉइज़ इन द सेंस, जो आपके मतलब घर में कोई बोल रहा है या फ़ैन की वॉइस है, ठीक है, वो या फ़ैन जो जब चलता है तो वो आता है, तो वो ना आए। फोर्थ थिंग इज़ बैकग्राउंड शुड बी प्रेजेंटेबल। आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन हो सकता है, डेकोरेटिव हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब प्रेजेंटेबल किस सेंस में होना चाहिए, कि
कोई भी हाउसहोल्ड आइटम उसमें नहीं दिखना चाहिए ताकि व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट हो। हाउसहोल्ड आइटम यानी आप उधर बॉटल ना छोड़ें या कोई भी कपड़ा या वैसे बैकग्राउंड में उसको लीव ना करें, बैकग्राउंड पूरा क्लियर कर दें, नीट कर दें और तब वहाँ पे वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और व्यूअर्स आपके डांस पे ही अपना ध्यान देंगे। अगर कोई और सामान होता है तो व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। कमिंग टू लास्ट पार्ट इज़ एंडिंग। एंडिंग में यू मस्ट से थैंक्स। आपको अपने डांस परफॉर्मेंस करने के बाद आपको बोलना है थैंक यू एवरीवन, और आपको अपनी वोटिंग अपील करनी है एक तरह से। आपको बोलना है प्लीज़ लाइक माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय डांस और माय परफॉर्मेंस, लाइक दिस वीडियो। एंड और आपको ये भी बोलना है ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, जो चैनल पे हम आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको उस चैनल को बोलना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस है जिसको हमने अपने वीडियो फॉर्मेट में रखा है, तो आपको इसी हिसाब से अपनी वीडियो बनानी है, इसी हिसाब से आपको वीडियो सबमिट करनी है। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से काफ़ी है। बाकी किस बेसिस पे रिज़ल्ट डिसाइड होगा, क्या हम एक डेमो वीडियो भी निकालेंगे इस पूरे चीज़ को करते हुए। अगर किसी को इनमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके लिए हम एक डेमो वीडियो भी निकालेंगे, ठीक है। और अभी आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो आपकी टाइम लिमिट होगी, मिनिमम टाइम लिमिट आपकी होगी 3 मिनट। आपको एटलीस्ट 3 मिनट की वीडियो बनानी ही बनानी है और मैक्सिमम 8 मिनट, उससे ज़्यादा क्या वीडियो बना नहीं सकते। अब इसमें मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ या डांस की, मैं पूरी वीडियो की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप मान लीजिए 3 मिनट की पूरी वीडियो बनाते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, तो उसमें आपका इंट्रो भी आ जाना चाहिए, परफॉर्मेंस भी आ जानी चाहिए और एंडिंग भी आ जानी चाहिए उस 3 मिनट में। मैं कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि डांस कितने मिनट की होगी या इंट्रो कितने मिनट की होगी या एंडिंग कितने मिनट की होगी, क्या टाइम लिमिट है, आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि मिनिमम आपकी वीडियो की लिमिट, वीडियो टाइम होना चाहिए 3 मिनट और मैक्सिमम होना चाहिए 8 मिनट। तो मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में, और आप हमारे स्पॉन्सर के जो चैनल है, ये जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।